हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे थे अंकल जी। जो कहना चाह रहे हैं इतनी गंदगी रहे, थोड़ी सी सफाई का इंतजाम करा जावे। अच्छा अच्छा गंदगी हो रही है, देखो क्या हालत है। इसको हरिद्वार जैसा बनाना चाहिए ना। हाँ मैं बोल तो रखा है, यहाँ के जो लोकल के गवर्नमेंट है या कहीं ना कहीं वो कह रही है कि इसको विकसित किया जाएगा हरिद्वार की तरह। मेरा ब्लॉग चैनल है खुद का। अच्छा 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 पैर रखने की जगह नहीं है, उन चीजों को दिखाओ। ठीक है, कमी आती है कहीं ना कहीं संस्कृति में, या जो गंगा माँ को धूमिल होने का काम होता है कहीं ना कहीं इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। और लोग फिर इसी से घिन करते हैं और बोलते हैं कि गंगा माँ में गंदगी बहुत है। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में, और मैं देवेंद्र कंकरपाल आज आप लोगों को ले पहुँचा हूँ मिनी हरिद्वार। जी हाँ, आचार्य चकित मत होइए, मैं पहुँचा हूँ आज ब्रजघाट, और ब्रजघाट को मिनी हरिद्वार कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हरिद्वार की तर्ज पर क्लॉक टावर मेरे पीछे खड़ा है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, और बिल्कुल हरिद्वार की तर्ज पर इसको बनाया गया है। गंदगी हो रही है, इसकी रिपोर्ट भी तो करो। अच्छा गंदगी हो रही है, देखो क्या हालत है। इसको हरिद्वार जैसा बनाना चाहिए ना। हाँ मैं बोल तो रखा है, यहाँ के जो लोकल के गवर्नमेंट है या कहीं ना कहीं वो कह रही है कि इसको विकसित किया जाएगा हरिद्वार की तरह। मेरा ब्लॉग चैनल है खुद का। अच्छा 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 पैर रखने की जगह नहीं है, उन चीजों को दिखाओ। ठीक है, ढालुओं की जो है भारी जनसंख्या यहाँ पर उमड़ी है, और मेरे पीछे जो है ये क्लॉक टावर है जो कि बिल्कुल हरिद्वार की तरफ से। मैं फिलहाल खड़ा हूँ ब्रजघाट के मुख्य घाट आरती घाट पर, और ब्रजघाट का जो ब्रिज है, जो ब्रजघाट क्यों कहते हैं, वो ब्रिज है और ब्रिज से ही सटा हुआ जो घाट है इसलिए इसको ब्रजघाट कहा जाते हैं। और इस घाट की मैं दृश्यता आपको दिखाता हूँ दृश्य कि कितने श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के दिन आज यहाँ पर जुटे हैं। और ब्रजघाट एक ये दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी के आसपास है, ये आप लोग देख सकते हैं आरती घाट का नज़ारा है, और श्रद्धालुओं से जो घचाघच भरा हुआ है। ऐसे ही अनेकों घाट आगे बनाए हुए हैं, और इधर पता नहीं ये नशे में है या कैसे, लेकिन गंदगी का जो है ज़्यादा ही प्रभाव है, या तो श्रद्धालुओं की कमी है या फिर यहाँ का जो सिस्टम है वो विकसित नहीं है। आरती घाट पर गर्मी को काबू करने के लिए छोटे छोटे वो जो फैन भी लगा रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पर। वस्त्र इत्यादि जो गंगा माँ में ही लोग प्रभावित कर देते हैं, जबकि ये गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे गंगा माँ ही जो है दूषित होती है, और इधर जो गंगा का जो जल है काफ़ी तेज मात्रा में जो प्रभावित हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो बरसात है, बरसात का असर हमें फिलहाल यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जल है वो धूमिल है, और पीछे सामने दिखाई देगा ब्रिज, और ब्रिज के नीचे ही जो है गंगा माँ प्रभावित हो रही है, इसीलिए इसको ब्रजघाट कहा जाता है। और घाट के दोनों तरफ आपको पंडित पुजारी मिल जाएंगे हवन और इत्यादि कराने के लिए, जो कथा वगैरह करानी होती है वो लोग यहाँ पर मिल जाएंगे अपने अपने स्थानों पर। इधर जो प्रसाद की दुकानें जो है बहुत लंबी कतार है, और ऐसे अनेकों घाट जो आगे की तरफ बनाए गए हैं ब्रजघाट में। थोड़ा जो देखना मिलता है वो थोड़ा गंदगी देखने मिलता है, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़े श्रद्धालुओं का भी जो है सहयोग रहना चाहिए सफाई के मामले में, क्योंकि जो श्रद्धालु ही इस चीज़ को फैलाते हैं, क्योंकि डस्टबिन रही हुई हैं जगह जगह, तो डस्टबिन को जो है यूज करना चाहिए, तो जब यूज के लिए वहाँ रख रखी हैं। वो जो लोगों की कमी आती है कहीं ना कहीं संस्कृति में, या जो गंगा माँ को धूमिल होने का काम होता है कहीं ना कहीं इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, और लोग फिर इसी से घिन करते हैं और बोलते हैं कि गंगा माँ में गंदगी बहुत है, और इसमें सहयोग हम लोगों का भी रहता है, और हम ही लोग इनको समर्पित करते हैं, बट एजुकेटेड होने के बावजूद भी जो कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर जो लोग फिर भी गलतियाँ कर बैठते हैं। इस तरह से कुछ गंगा माँ का नज़ारा है। फिलहाल गंगा माँ का जो जल है वो धूमिल हो रखा है, वो बरसात के कारण कटान की वजह से, और ये और यहाँ बैरिकेडिंग भी रखी है ड्रमों से, जो लोग आगे ना जाएँ घाट से। और यहाँ आप जो बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ बोट हैं। और बोट का भैया टिकट क्या रुपये का है, क्या रुपये का टिकट है भैया आने जाने का यहाँ से और उधर? बस एक राउंड लगा कर लाएंगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर 100 रुपये में आप यहाँ से। यह स्थान श्रद्धालुओं के विश्राम हेतु बनाया गया, बट लेकिन इसकी भी जो इस स्थान को भी अर्धव्यर्थ कर दिया गया है श्रद्धालुओं के द्वारा ही। देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थान को एक जो बैठने या कहीं ना कहीं छाप के हिसाब से बनाया गया, लेकिन यहीं पे जो गंदगी एक प्रकार से, जबकि चेंजिंग रूम वगैरह भी उधर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ चेंजिंग भी है, और कहीं ना कहीं पूजा अर्चना भी इधर का काम जो इधर किया गया है, और थोड़ा जो
फिर जो उसको सामने आता है कि जो सफाई या जो इस चीज़ को जो नगर पालिका को फिर झेलना पड़ता है, लेकिन वो हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि सामने पूजा अर्चना भी हो रही है और यहाँ कहीं ना कहीं जो कूड़ा करकट और गंदगी जो है भरपूर मात्रा में लोगों ने कर रखी है, ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय सभी श्रद्धालुओं को जाता है। इधर जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा माँ में लगा रहे हैं ये सामने, और पल्ली तरफ भी जो है श्रद्धालुओं का जो जत्था है उधर उधर की पार भी जो पूजा अर्चना लोग करते हैं, यहाँ से जो नाव के द्वारा जो पल्ली पार जाते हैं या राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। सामने जो बोट खड़ी है इस पर बैठ कर इसका जो टिकट है वो 100 रुपये के आसपास है, और ऐसे ही समथिंग समथिंग यहाँ 10-12 घाट की व्यवस्था की गई है। ये सामने देखेंगे आप गजरौला टू दिल्ली वाला जो हाईवे आप लोगों को यहाँ मिलेगा, नेशनल हाईवे। ब्रज घाट में कदम कदम पर गंदगी है और ये गंदगी केवल हम लोगों द्वारा ही की गई है। इसमें जो है नगर पालिका जो परिषद है ब्रज घाट का वो पूरा सहयोग करता है, सफाई कर्मचारी 24 घंटे रहते हैं, बट हम अपनी शैतानियों से हम अपनी जो गलतियों से ही यहाँ पर गलती करते हैं और फिर हम उनको बोलते हैं कि सफाई नहीं है। इसमें केवल और केवल श्रद्धालुओं का दोष है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तो बेचारे लगे ही रहते हैं, बट इतनी ज़्यादा हम गंदगी फैलाते हैं जिससे कि वो पूरा जो है साफ़ नहीं कर पाते और फिर हमको बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो विशेष